हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर, जहाँ मैं कमिटेड हूँ महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस एंड प्रेगनेंसी पार्ट 2। ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मुड़ते हैं आज के सवालों की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है, अगर प्रेगनेंसी में COVID-19 इन्फेक्शन है तो कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट सेफ है? बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस में जो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, वो ही मेडिकल ट्रीटमेंट COVID-19 इन्फेक्शन में भी हम दे रहे हैं, और इसी की वजह से कोरोना वायरस के लक्षण जो है वो काफ़ी हद तक पेशेंट्स में कम हो रहे हैं। पर जैसे कि हमें पता है कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस है, इसके अगेंस्ट अभी तक कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, इसीलिए फिलहाल हम हर पेशेंट को 100% क्योर नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी पेशेंट 100% ठीक हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी ने ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट काफ़ी अहम रोल निभाया है। सो, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको COVID-19 के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपका फीवर कम करने के लिए आपको टैबलेट पैरासीटामोल दी जाएगी। दूसरी चीज़, बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको लो शुगर ड्रिंक्स लेना चाहिए या फिर शक्कर कम खाना चाहिए। चौथी चीज़ एक ये है कि आपको रेस्ट यानी कि भरपूर आराम लेना चाहिए और नींद अच्छी लेना चाहिए। रात में तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना चाहिए, और दिन में 1 से 1.5 घंटे की नींद बहुत अहम रोल निभाएगी। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी कम नहीं हो रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आपको आपके फैमिली डॉक्टर को फ़ोन पे कंसल्ट करना चाहिए और उनकी अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। फिर उसके बाद का सवाल है, क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस साबित हो सकता है? फिर से मैं ये कहूँगी, ये जो कोरोना वायरस है ये नोवेल है, मतलब न्यू है, यानी कि ये कोरोना वायरस हम सब के लिए नया है, इसलिए बहुत कम रिसर्च डाटा इसके ऊपर है। पर CDC के हिसाब से यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से जो पास में कोरोना वायरसेस इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हुए हैं, यानी कि ये जो नोवल कोरोना वायरस है यानी कि SARS-CoV-2 वायरस छोड़ के जो पास में प्रेगनेंसी में कोरोना वायरसेस इन्फेक्शन हो चुके हैं, उनका प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन रेट भी काफ़ी रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी वजह से प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी रह चुके थे, जैसे कि मिसकैरियज यानी कि एबॉर्शन रेट भी काफ़ी था, प्रीटर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ यानी कि बच्चे का पेट में ही गुजर जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस उन कोरोना वायरसेस के साथ देखे गए थे। मुझे पता है कि ये सब सुनने के लिए काफ़ी डरावना लग रहा है, पर थोड़ा रुक जाइए और एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि जितना भी रिसर्च डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से ये सब जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस मैंने अभी बताए हैं, ये सब COVID-19 इन्फेक्शन के साथ नहीं दिखाई दिए हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इसके हिसाब से 156 प्रेग्नेंट महिलाएं जिनको COVID-19 इन्फेक्शन हुआ था, उनमें से सिर्फ 8% केसेस सीवियर पाए गए थे और सिर्फ 1% प्रेग्नेंट महिलाएं क्रिटिकल दिखाई दिए गए थे। फिर अगला सवाल है, क्या ये कोरोना वायरस प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के वक्त आपके बच्चे को भी हो सकता है? COVID-19 ये बीमारी एक इंसान को दूसरे इंसान से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि COVID-19 का कोई भी पेशेंट अगर आपके सामने खांसता है, छींकता है या नॉर्मली भी बात करता है, तो उसके थूक में कई वायरसेस उसके थूक के साथ बाहर निकलते हैं, और ये वायरस जो है ये बाकी वायरसेस के मुकाबले काफ़ी हेवी यानी कि भारी है, और इसीलिए ये हवा में तैर नहीं सकता, और इसीलिए ये थूक के साथ नीचे कोई भी सरफेस पे जाके सेटल हो जाता है। और एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर ये इन्फेक्शन एयरबॉर्न होता तो जो तेज़ी से अभी ये फैल रहा है, इससे भी ज़्यादा और तेज़ी से ये इन्फेक्शन फैल सकता था।
सो जिन प्रेग्नेंट महिलाओं को लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था उनके एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल में यानी कि बच्चे के बाजू के पानी में, या कॉर्ड ब्लड सैंपल में यानी कि बच्चे के नाल के ब्लड सैंपल में, या बच्चे के थ्रोट स्वैप सैंपल में कोई भी वायरस दिखाई नहीं दिया गया। और जो स्मॉल स्टडी हुई थी उनके हिसाब से जो प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों को बच्चे कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि मोस्टली ये प्रेगनेंसी में या इन यूट्रो बच्चे को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, मोस्टली ये मदर टू बेबी यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें अहम रोल निभाया है ऐसा देखा गया है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोरोना वायरस और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कई सवालों के जवाब लेके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।